हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से चावल के आटे के रसगुल्ले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, जो नहीं करे हैं तो कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो बनाने के लिए ये हमने पैन लिया है, तो गैस ऑन करेंगे। और ये हमने 200 ग्राम दूध लिया है, एक कटोरी। तो इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच घी। अब इसमें ऐड करेंगे हम दो चम्मच शक्कर। तो शक्कर और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। घी और शक्कर हमारी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम चावल का आटा। तो चावल का आटा की मात्रा हमने 100 ग्राम ली है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। दूध हमने 200 ग्राम लिया है, तो चावल का आटा हमें 100 ग्राम ही लेना है। अब इसको बिल्कुल चलाते हुए इसको मिक्स करना है कि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना आए। गैस की फ्लेम हमारे को लो करनी है। तो देखिए, दूध हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है हमारे को। तो 2 मिनट हो चुके हैं हमारे को पकाते। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, गैस हम बंद कर देंगे। तो डो हमारा ठंडा हो रहा तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए ये हमने भगोने लिए हैं और ये लिए हम 200 ग्राम शक्कर। तो इसको ऐड करेंगे। 200 ग्राम शक्कर लिए तो हमने उसके 1.5 गुना पानी की मात्रा इसमें ऐड करेंगे। रसगुल्ले के लिए चाशनी हमारे को पतली चाहिए। अब इसके हम गैस ऑन कर देंगे। तो देखिए, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए, डो हमारा ठंडा हो चुका है। इसको बिल्कुल मसलते हुए बिल्कुल स्मूथ इसका डो तैयार करेंगे। तो देखिए, डो हमारा अच्छे से चिकना हो चुका है। अब इसकी हम रसगुल्ला की बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो रसगुल्ला का साइज आपके पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके के हम डो तैयार करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने अच्छा चिकना बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार हुआ है ये, और दिखने में इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है रसगुल्ला है जो। तो इसी तरीके से हम सभी को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हम सभी रसगुल्लों की बोल्स बना के तैयार कर लिए। तो चाशनी भी हमारी तैयार है, तो चलिए अब इनको पकाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो रसगुल्ला की बोल्स तैयार करें उसको ऐड करेंगे। हमने चाशनी को दोबारा से गर्म किया है, एक एक करके हम सभी बोल्स इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम हम लो कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हम सभी बोल्स को इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए हमारे को पकाना है हाई फ्लेम पे। और आपको अगर पसंद है तो कुछ धागे केसर के भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे रसगुल्ले हमारे ऊपर आने लगे, उठ के पकने लगे हैं। तो और गैस अब मैं इसकी बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे रसगुल्ले हैं जो, बिल्कुल ये पकने के बाद में हल्के होके अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। इतने शुरू में हम ऐड करते हैं तो नीचे जाके बैठ जाते हैं ये तली में। तो अब इसके हम गैस बंद कर देंगे और इसको 1 से 1.5 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो देखिए, गैस हम बंद कर दिए हैं और इसको हम ढक के और 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे।
ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छे से जा सके। तो देखिए हमारे रसगुल्लों को 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने अच्छे जूसी बिल्कुल यम्मी रसगुल्ले बने हैं। तो चलिए अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये हम बाउल लिए हैं, इसमें सर्व करेंगे। और अगर आपको पसंद है तो कुछ धागे केसर के आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी टेस्ट आता है इसमें और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है रसगुल्ले का। तो देखिए हम सर्विंग प्लेट में इसमें बाउल में सर्व कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे रसगुल्ले बने हैं ये और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप तुरंत में भी इसको बना के खिला सकते हो। अगर अचानक से आपके घर पे मेहमान आ जाए तो फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप इसको बढ़िया बना कर इसका मजा उठाइए। तो देखिए हम सर्व भी कर दिए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।